मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान के व्यापक विस्तार और विकास के लिए जोर शोर से काम कर रही है। वहीं सामान्य वन मंडल सरकार की मंशा पर खरा उतरने में नाकाम साबित होता दिख रहा है। दरअसल सतनबाड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली धमकन बीट में धड़ल्ले से अवैध पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार माधव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से सटे जंगलों में माफियाओं की उत्खनन की मनमानी जोरों पर चल रही है। माफियाओं ने खदान तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर तक सड़क का लंबा जाल भी बिछा दिया है, जिसमें वहां लगे बेशकीमती सागौन के वृक्षों की बलि भी चढ़ा दी गई है। बिना किसी रोक टोक के अवैध रूप से खनन के पत्थरों का परिवहन इसी सड़क के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। बता दें कि लाल पत्थर की कालाबाजारी के लिए ये पूरा चक्र व्यूह रचा गया है, जिसकी लगाम खनन माफियाओं के हाथों में है। वहीं अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो इस अवैध उत्खनन को रोकने में जिला प्रशासन भी नाकाम साबित दिख रहा है। बता दें कि अब तक जिला प्रशासन ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। नरवर से कमर खान की रिपोर्ट। अभी लगभग एक दो दिन पहले मेरी संज्ञान में भी आया है कि उधर अवैध उत्खनन हो रहा है, और पहले भी काफी अवैध हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी भी मिले हुए हैं, और मैं इस विषय पे डीएफओ साहब और सीसीएफ से भी बात करूंगा, और मैंने उनसे यह भी बात करना है कि इस क्षेत्र में काफ़ी फॉरेस्ट कट चुका है और उसमें खेती हो रही है, उन खेती करने वालों से भी जल्दी जल्दी फॉरेस्ट की जमीन खाली कराई जाए। ये शिवपुरी जिले में अवैध पत्थर का कारोबार चरम सीमा पर है। वन विभाग भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। जंगलों के बीचों बीच अवैध पत्थर की कटाई और अवैध पेड़ों की कटाई की जा रही है। हालांकि सतनवाला वन परिक्षेत्र की धमकन बीट में ये काम बेखौफ तरीके से पत्थर माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है, वन विभाग की जानकारी में ये सब कुछ खेल चल रहा है, लेकिन वन विभाग के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिवपुरी डीएफओ से जब एमकेएन की टीम के द्वारा बात की गई, तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, और जांच कराने के बाद भी आज 5 रोज हो चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई उन माफियाओं पे या सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारियों कर्मचारियों पे नहीं की जा रही है। एमकेएन के लिए नरवर से कमर खान। तो बता दें कि सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली धमकन बीट में धड़ल्ले से अवैध पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है। बता दें कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से सटे जंगलों में माफियाओं की उत्खनन की मनमानी जोरों पर है। माफियाओं ने खदान तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर तक सड़क का लंबा जाल बिछा दिया है, जिसमें वहां लगे बेशकीमती सागौन के वृक्षों की बलि चढ़ा दी है, और जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नरवर से हमारे संवाददाता कमर खान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कमर खान, खुलेआम धड़ल्ले से ये अवैध पत्थरों का उत्खनन, परिवहन और बेशकीमती यहाँ पर वृक्षों को काट दिया गया है, जिसकी तस्वीर अभी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या है पूरी खबर और बताइए पूरी जानकारी। मनीष, ये पूरा मामला शिवपुरी जिले की सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र के धमकन बीच से जुड़ा हुआ मामला है, और यहाँ पर जो है ना वन विभाग के कर्मचारियों, डिप्टी डिरेंजर हो या अपना बीट गार्ड हो, उनकी मिली भगत से ही ये काम को अंजाम, अवैध उत्खनन को अंजाम दिया जा रहा है पत्थर के। लगभग जो है पिछले 2 वर्ष से ये काम लगातार चल रहा है, और यहाँ उत्खनन करता उन्हें ये सोच के चलिए कि जंगल के बीचों बीच मुख्य सड़क से 4 किलोमीटर अंदर तक या 3 किलोमीटर अंदर तक जो है सड़क का जाल भी बिछा रखा है, और उसी रास्ते से वो पत्थर का परिवहन भी करते हैं, और काफी जो है रास्ता पहाड़ी काट के बनाया गया है, तो उसमें भी काफी कीमती जो वृक्ष है। एक तरफ तो वनों को जो है सुरक्षा करने की विभाग द्वारा बात की जा रही है, दूसरी ओर यहाँ जो सुरक्षा करने वाले वही जो है वृक्षों को कटवाने में कसर नहीं छोड़ रहे, और दूसरा चीज ये कि अवैध पत्थर की कटाई भी जो है बेखौफ की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर जंगल के बीचों बीच रास्ता बना दिया गया, बेशकीमती सागौन के वृक्षों को काट दिया गया, और ये पूरा अवैध खनन चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन को क्या इस बात की जानकारी नहीं है? जिला प्रशासन का क्या है स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर, क्या आपकी उनसे बात हुई है?
जिला प्रशासन में डीएफओ जो है अधिकारी, तो उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से, कुछ भी कहने से मना कर दिया था और जांच कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन टीम को भेजने के बाद आज 5 रोज बीत चुके हैं, 5 रोज के बाद भी अभी कुछ ऐसी ठोस कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। जी बिल्कुल, वन विभाग का क्या स्टैंड है? वन विभाग के जो डीएफओ है, जो रेंज ऑफिसर है, क्या उनसे आपका संपर्क हो पाया है और वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी उस रेंज के ऑफिसर की होती है? नहीं, रेंज ऑफिसर जो है वहाँ के सदन वाला के, उनको काफी करीब 2-3 महीने पहले भी मेरे द्वारा अवगत कराया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो है बिल्कुल लापरवाही बरती गई और इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया रेंजर के द्वारा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए कमर खांती आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें ये बड़ी खबर निर्भर से, जहां पर धड़ल्ले से खुलेआम पत्थरों का अवैध खनन चल रहा है। जंगल के बीचों बीच खनन माफियाओं ने बेशकीमती सागौन के वृक्षों को भी काटा, लेकिन वन विभाग का अमला इस ओर कुछ भी कार्रवाई करने में नाकाम साबित दिख रहा है। जिला प्रशासन से भी इस संबंध में बात की गई, हालांकि जब संपर्क किया गया प्रशासनिक अधिकारियों से तो फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया।